हाय गाइस, कैसे हो? वीडियो को शुरू करें उससे पहले मुझे आप लोगों का एक कंफ्यूजन दूर करना है। शायद आप लोगों को पता नहीं कि चाइनीज डोंगुआ जैसे BTTH, परफेक्ट वर्ल्ड, सोल लैंड में ब्रदर सिस्टर का मतलब भाई बहन नहीं होता। डोंगुआ में जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वह भी एक दूसरे को ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं। ये चाइनीज डोंगुआ है, इसमें ऐसा ही होता है। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो चलो अब शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ज्यूनर की एंट्री के साथ सभी की हालत खराब हो चुकी थी। आइस रिवर वैली का चीफ ज्यूनर के बैकग्राउंड के बारे में जानकर उसे माफी मांगता है और फिर अपने डिसिपल्स के साथ वहां से चला जाता है। और फिर हमें ज्यूनर और जियाओयान के बीच थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, जहां आखिर में ज्यूनर ने जियाओयान से एशियन ताउशी जेड के बारे में पूछ लिया था। अब आगे एपिसोड 117 एंड 118 की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान को दिखाया जाता है। हाँ, वह बोल रहा था, नहीं नहीं, मेरे अलावा एंशियंट तोशी जेड के बारे में किसी और को नहीं पता। मुझे याद है तुमने कहा था यह एंशियंट तोशी जेड एंशियंट तोशी गॉड के मैंशन का चाबी है, जिसे 8 पीसेस में डिवाइड करके सभी एंशियंट क्लैंस को दिया गया था। जरूर मेरा जियाओ क्लैन भी उस समय पर बहुत पावरफुल रहा होगा, इसलिए तो हमारे पास भी एंशियंट तोशी जेड का एक पार्ट है। तो ज्यूनर जियाओयान को बताती है, आपके क्लैन के जो एंसेस्टर्स थे उनका नाम जियाओ जुआन था। वह दाउडी स्टेज से बस एक कदम ही पीछे थे, यानी कि गॉड बनने से बस एक कदम पीछे। वह तोशी एंशियंट गॉड के बाद दूसरे सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन थे। वह एंशियंट क्लैन के पावरफुल लोगों में सबसे टॉप पर थे। उनके सामने या आइस रिवर वैली जैसा एक छोटा सा क्लैन कुछ भी नहीं है। वह चुटकी बजाकर पूरे आइस रिवर वैली को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते थे, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई, जियाओ क्लैन का डिक्लाइन धीरे धीरे शुरू हो गया और लोग उन्हें भूलते चले गए। ज्यूनर की बातें सुनकर जियाओयान बोलता है, हम लोग अभी के लिए पावरफुल नहीं है, इसीलिए सभी क्लैंस ने हमें बुली किया, इवन कि मेरे फादर को हॉल ऑफ सोल में किडनैप कर लिया। तो ज्यूनर बोलती है, सिर्फ हॉल ऑफ सोल नहीं बल्कि बाकी के भी एंशियंट क्लैन इस तोशी एंशियंट जेड के पीछे पड़े हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि यह एंशियंट तोशी जेड आपके पास है, तो वे लोग किसी भी कीमत पर इसे पाने की कोशिश करेंगे, ताकि वह एंशियंट तोशी गॉड के मैंशन को ओपन कर सके और एक दाउडी यानी कि गॉड बन सके। जियाओयान भी यह सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। तो ज्यूनर बताती है, एंशियंट तोशी मैंशन में एक ऐसा सीक्रेट है जिसकी हेल्प से एक दाओ शेंग के पीक का वॉरियर एक गॉड यानी कि दाउडी बन सकता है। और जब मैं अपने क्लैन वापस गई थी, तो मैंने आपके एंसेस्टर्स जियाओ जुआन के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था और मुझे पता चल गया कि उनका टॉम यानी कि उनका कब्र हमारे क्लैन में है, लेकिन वहाँ पर किसी और एंशियंट क्लैन का कोई पर्सन एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वह हेवनली टॉम में एक मिस्टीरियस स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है वहाँ पर आपके एंसेस्टर ने आपके लिए जरूर कुछ छोड़ा होगा और वहाँ पर सिर्फ जियाओ क्लैन के लोग ही जा सकते हैं, मतलब कि आप और आपके क्लैन के मेंबर। तो जियाओयान बोलता है, मेरे एंसेस्टर जो एक टाइम पर इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने हमारे जियाओ क्लैन के लिए जो भी छोड़ा होगा वह जरूर ही कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज होगी। जिस पर ज्यूनर बोलती है, एक बार जब आप और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के हेवनली टॉम में एंटर कर सकते हो और तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ज्यूनर की बातें सुनकर जियाओयान इमोशनल होते हुए बोलता है, ज्यूनर तुमने हमेशा मुझ पर इतना विश्वास किया, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। तुमने मुझ पर उस वक्त भी विश्वास किया जब सभी लोग मुझे एक लूजर और यूजलेस बोलते थे, इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और एक दिन इतना पावरफुल बनूंगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और तभी जियाओयान को उसकी बॉडी में अचानक से बहुत पेन फील होता है और वह जमीन पर बैठ जाता है। ज्यूनर यह देखकर हैरान हो गई थी कि अचानक से जियाओयान को क्या हुआ। तो जियाओयान बोलता है, यह सब हेवन डीमन पॉइजन स्पॉट की वजह से हो रहा है। उनकी आवाज को मास्टर टियान हुआ जूंझे और लिटिल फेरी डॉक्टर भी सुन लेते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ। तो ज्यूनर रोते हुए बोलती है, जियाओयान की बॉडी पर लगा डीमन पॉइजन स्पॉट उसे नुकसान पहुंचा रहा है। और फिर वह लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़कर बोलती है, सिस्टर प्लीज आप जल्दी से जियाओयान के पॉइजन स्पॉट को रिमूव कर दो, अगर आपको कोई इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं जल्दी से उसको ला सकती हूँ। तो लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टियान हुआ जूझे वहाँ से जाते हुए बोलते हैं,
तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, ज़ियाओयान खुद इसे अब अपनी बॉडी से रिमूव कर सकता है। और तभी ज़ियाओयान बोलता है, ज़ियुनर मैं ठीक हूँ, मैं अब इस पॉइजन स्पॉट को खुद ही रिफाइन कर सकता हूँ, इसने पहले ही मेरा काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, एक बार अगर मैं इसे रिफाइन कर लेता हूँ तो हो सकता है मैं ब्रेक थ्रू भी कर सकूँ। तो ज़ियुनर बोलती है, क्या आप सच में ठीक हो, मुझे एक बार इस डीमन पॉइजन स्पॉट को देखने दो। जिस पर ज़ियाओयान ज़ियुनर के हैंड को अपने चेस्ट पर करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें मेरी बॉडी को टच करना है या देखना है तो उसके लिए तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। ज़ियाओयान की बातें सुनकर ज़ियुनर का फेस पूरा लाल हो जाता है और फिर वह उस कमरे से बाहर आ जाती है, जहाँ ज़ियाओयान बोल रहा था, ज़ियुनर मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर वह पॉइजन स्पॉट को देखते हुए बोलता है, मुझे जल्दी से इसे रिफाइन करना होगा, यह पॉइजन स्पॉट एक दाऊ जोंग लेवल के वॉरियर जितना पावरफुल है, एक बार अगर मैंने इसे रिफाइन कर लिया तो मैं अपने पावर को बढ़ा सकता हूँ। और फिर ज़ियाओयान उस पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करने लगता है। और दूसरी तरफ कमरे के बाहर ज़ियुनर के फेस को देख कर वह एल्डर गुस्सा होते हुए बोलते हैं, मिस क्या उस लड़के ने आपको बुली किया, मैं आज उसकी जान ले लूंगा। तो उसके साथ मौजूद सेकंड एल्डर उन्हें चुप कराते हुए बोलते हैं, तुम्हें इस मैटर में नहीं बोलना चाहिए। और फिर वह ज़ियुनर से पूछते हैं, मिस हम वापस क्लैन कब जाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा समय के लिए यहाँ रुके तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़ियुनर बोलती है, एल्डर आप चिंता ना करें, मैं अब चीजों को आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगी, एक बार बस ज़ियाओयान सक्सेसफुली पॉइजन स्पॉट को रिफाइन कर ले और पूरी तरीके से ठीक हो जाए, उसके बाद हम लोग क्लैन वापस चलेंगे। और तभी यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था, क्या यह वही जगह है जहाँ पर मिस ज़ियुनर और ज़ियाओ क्लैन का वह लूजर ज़ियाओयान है। और फिर हमें ज़ियाओयान को दिखाया जाता है जहाँ वह डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन कर रहा था। तभी वह डीमन पॉइजन स्पॉट एक स्पिरिचुअल स्कॉर्पियन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर ज़ियाओयान पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियाओयान उसे अपनी ग्लेज लोटस फ्लेम से जलाने लगता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ियुनर उस बंदे के प्रेजेंस को फील कर लेती है और वह बोलती है, कौन हो तुम। तो बंदा ज़ियुनर को ग्रीट करते हुए बोलता है, मिस मैं हूँ लिंक वन, एल्डर ने मुझे आपको वापस लाने के लिए भेजा है। उसकी बातें सुनकर ज़ियुनर के साथ मौजूद एल्डर बोलते हैं, एल्डर झाओ सच में मिस ज़ियुनर के बारे में काफी ज्यादा चिंतित हैं, लेकिन हमारे यहाँ होते हुए भला मिस को कोई परेशानी कैसे हो सकती है। जिस पर वह दूसरे एल्डर भी बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है तुम हम दोनों से ज्यादा पावरफुल हो, जबकि तुम अभी भी डाउ ज़ोंग के 5 स्टार पर हो, और वह भी तुम गॉड ऑल्टर में जाने के बाद डाउ ज़ोंग के 5 स्टार पर पहुंचे हो। तो वह बंदा लिंक वन बोलता है, ऑफ कोर्स एल्डर मैं आप दोनों के बराबर बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं अपने साथ ब्लैक सबमर्ज आर्मी को लेकर आया हूँ। और तभी हमें उसके पीछे काफी सारे पावरफुल लोगों को दिखाया जाता है जो सभी डाउ ज़ोंग लेवल पर थे। उन सब को देख कर वह एल्डर गुस्सा होते हुए बोलता है, इतने सारे लोगों को यहाँ लाने का मतलब क्या है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिस पर वह बंदा लिंक वन बोलता है, क्लैन में एल्डर्स को पता चला कि मिस का आइस रिवर वैली के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है और इसमें हॉल ऑफ सोल भी शामिल है, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ब्लैक सबमर्ज आर्मी को भेजा ताकि मैं मिस को बिना किसी प्रॉब्लम के क्लैन वापस लेकर आऊं। और फिर ज़ियाओयान की बेइज्जती करते हुए बोलता है, मिस ज़ियुनर को ज़ियाओ क्लैन के लूजर के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लिंक वन की इस बात को सुनकर ज़ियुनर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, ज़ियाओयान के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिस पर वह बंदा गुस्सा होकर बोलता है, वह लूजर बस दाओ लिंग लेवल का एक वॉरियर है और कुछ नहीं, वह मिस ज़ियुनर के प्रोटेक्शन के काबिल नहीं। तभी ज़ियाओयान अपने ग्लेज लोटस फ्लेम का यूज करते हुए लिंक वन पर अटैक करते हुए बोलता है, शायद कमांडर लिंक वन को अभी तक पता नहीं कि वह दाओ लिंग लेवल का लूजर अब एक दाओ जोंग के 4 स्टार का वॉरियर है। वह बंदा लिंक वन भी यह देखकर शॉक हो जाता है कि ज़ियाओयान ने इतनी जल्दी दाओ जोंग के 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी ज़ियुनर ज़ियाओयान को देखते हुए बोलती है, तुमने सक्सेसफुली उस पॉइजन स्पॉट को रिफाइन कर लिया और एक ही बार में दाओ ज़ोंग के 2 स्टार से 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया। ज़ियुनर के साथ मौजूद एल्डर भी बोलते हैं, तुम सच में ज़ियाओ क्लैन के डिसेंडेंट हो, तुमने एक ही बार में दाओ ज़ोंग के 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और तभी ज़ियाओयान लिंक वन के पास जाते हुए बोलता है, बहुत लंबा टाइम हो गया हम लोग मिले नहीं, यह लूजर तो दाओ लिंग से दाओ ज़ोंग के लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन कमांडर लिंक वन अभी भी दाओ ज़ोंग के 5 स्टार पर है, यह तो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है।
तो लिंक वान जियाओ यान को एक टोकन दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं, बस एक बार तुम इस टोकन को देखो। उसे देखकर ज्यूनर के साथ मौजूद एल्डर बोलते हैं, यह तो ब्लड जेड टोकन है, कोई भी बंदा जो एंशिएंट क्लैन से है वह इस टोकन को देखकर बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह टोकन एल्डर की ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यह टोकन इसके पास कैसे आया? और तभी वह बंदा लिंक वान उन सभी को जियाओ यान पर अटैक करने के लिए बोल देता है, जिसे देख ज्यूनर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है, लिंक वान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जियाओ यान पर अटैक करो। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ एक पर्पल एनर्जी फैल जाती है, जिससे वह सभी लोग मारे जाने लगते हैं। और वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और बोलती है, किसमें है इतनी हिम्मत कि वह जियाओ यान को टच करे। तभी वह बंदा लिंक वान जियाओ यान पर अटैक करते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो, एक लड़की के पीछे क्यों छुप रहे हो। तभी जियाओ यान उस पर अटैक करते हुए बोलता है, लेकिन क्या तुम मुझसे फाइट करने के लायक भी हो। और जैसे ही जियाओ यान अपनी एनर्जी को रिलीज करके उसके अटैक को रोकता है, वह बंदा लिंक वान जियाओ यान की एनर्जी को फील करके बोलता है, तुमने सच में प्रोग्रेस किया है। और फिर वह अपनी एक टेक्निक लाइटनिंग डांस का यूज करते हुए जियाओ यान पर अटैक करने की कोशिश करता है। लिंक वांग के इस अटैक से वहां पर उसके काफी सारे क्लोन बन गए थे, साथ ही उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जियाओ यान उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है, तुम्हारा यह अटैक मेरे सामने एकदम बेकार है, और उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही जियाओ यान उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, वह बंदा लिंक वान पीछे की ओर चला जाता है और अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता देख गुस्से में वह ओपन माउंटेनिंग सील का यूज करते हुए जियाओ यान पर अटैक करता है। तो जियाओ यान ने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का यूज करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और एक ही बार में उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह बंदा लिंक वान काफी इंजर्ड हो चुका था और बोलता है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है, तुमने मेरे सबसे पावरफुल टेक्निक को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जियाओ यान उसे उसकी गलतियां गिनाते हुए बोलता है, तुम्हारा स्पीयर अटैक ठीक है लेकिन अच्छा नहीं, तुम्हारा फॉर्मेशंस और सील्स को फॉर्म करने का टाइम बहुत ही स्लो है। इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी दुड़की भी अब स्टेबल नहीं है, जिस वजह से तुम मेरा एक भी अटैक को संभाल नहीं पा रहे हो। यह कितनी डिस्गस्टिंग बात है कि एक दाउजों के वॉरियर में इतनी ज्यादा खामियां कैसे हो सकती हैं? मैं तो अब इस बात से हैरान हूँ कि तुम दाउजोंग पर कैसे पहुँच गए। जियाओ यान के मुंह से अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनकर लिंक वान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। दूसरी तरफ ज्यूनर के साथ मौजूद एल्डर बोल रहे थे कि जियाओ यान ने लिंक वान के धुड़की को अनस्टेबल होने का अच्छे से एडवांटेज लिया। भले ही लिंक वान के पास काफी सारा रिसोर्सेज है जिसकी हेल्प से वह दाउजोंग के 5-स्टार पर पहुँच गया, लेकिन दूसरी तरफ जियाओ यान खुद अपने दम पर मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। जाहिर सी बात है उसकी एबिलिटीज के सामने लिंक वान कुछ नहीं, जिस पर उसके साथ मौजूद दूसरे एल्डर भी बोलते हैं, लिंक वान की पावर गॉड अल्टर में इंटर करने के बाद इंक्रीज हुई, लेकिन जियाओ यान ने खुद अपने दम पर अपनी पावर को इंक्रीज किया है, उसके सामने इसकी एक भी नहीं चलने वाली है। जिस पर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के बंदे भी बोल रहे थे, क्या सच में कमांडर लिंक वान इतने कमजोर है। दूसरी तरफ लिंक वान अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अपनी पावर को काफी बढ़ाते हुए बोलता है, आज तुम मरोगे। जियाओ यान भी उसे देखकर थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने एक ही बार में अपने दाउजोंग के 5-स्टार के पावर को 7-स्टार तक इंक्रीज कर लिया था, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ा परेशान हो गई थी और जियाओ यान की हेल्प करने के लिए जाने लगती है। लेकिन ज्यूनर लिटिल फेरी डॉक्टर को रोकते हुए बोलती है, सिस्टर आप चिंता ना करो, जियाओ यान संभाल लेगा। और तभी वह बंदा लिंक वान जियाओ यान पर अटैक करता है, पर जियाओ यान उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और उसे एक पावरफुल किक मारता है, जिससे वह बंदा काफी दूर जाकर गिरता है। तो जियाओ यान बोलता है, अब मेरी बारी अटैक करने की, और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो वह बंदा एक अटैक को तैयार करते हुए बोलता है, अब मैं देखता हूँ तुम मेरे इस अटैक से कैसे बचते हो, और ओपन माउंटेनिंग सील के सी फ्लिपिंग सील का यूज करके जियाओ यान पर अटैक करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं जियाओ यान काफी तेजी से उसके पीछे आ गया था और बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था तुम्हारी स्पीड काफी स्लो है, और उसके फेस पर एक काफी पावरफुल मुक्का मारता है, जिससे वह बंदा लिंक वान जाकर जमीन पर गिरता है। यह देख ब्लैक सबमर्ज आर्मी के लोग भी हैरान हो गए थे कि जियाओ यान ने लिंक वान को हरा दिया। दूसरी तरफ जियाओ यान लिंक वान को गले से उठाकर बोलता है, अब बताओ कौन है असली लूजर।
तो लिंक वन बोलता है, भले ही तुमने मुझे हरा दिया और तुम जीत गए, लेकिन फिर भी मिस को मेरे साथ एंशिएंट वर्ल्ड जाना पड़ेगा। तो जियाओयान उसे उठाकर दूर फेंक देता है और फिर ज्यूनर की ओर देखते हुए बोलता है, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए बहुत जल्द आऊंगा। जिस पर ज्यूनर बोलती है, मैं आपका हमेशा इंतजार करूंगी। और फिर लिंक वन बोलता है, भले ही तुमने इतनी कम टाइम में अपने कल्टीवेशन को इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया है, लेकिन ज्यूनर एंशिएंट ग्यू क्लान को बिलोंग करती है, तुम कभी भी उसके लायक नहीं बन सकोगे। तो जियाओयान बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां जियाओयान बोल रहा था, ज्यूनर तो कल रात को ही एंशिएंट क्लान के लिए चली गई थी, मुझे अपना टाइम इस तरह से सैड होने में वेस्ट नहीं करना, इसके बजाय मुझे खुद को स्ट्रांग बनाने में फोकस करना चाहिए, मुझे जल्दी से अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करना होगा ताकि मैं पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकूँ और 3000 बर्निंग फ्लेम को ले सकूँ। उसके बाद मैं अपने टीचर को हॉल ऑफ सोल से छुड़ाने के लिए जाऊंगा और फिर टीचर के साथ मैं एंशिएंट गू क्लैन जाऊंगा ज्यूनर को वापस लाने के लिए। इसके बाद फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। और जैसे ही वह अपने रूम की खिड़की को ओपन करता है, वह बाहर के नज़ारे को देखकर पूरी तरह से शॉक हो चुका था। और एपिसोड भी इसी के साथ यहीं पर एंड हो चुका है। लाइक और कमेंट करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में।